वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो लास्ट व्लॉग का जो है मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और बहुत सारे लाइक भी आ गए और 100 के अबव व्यू भी आ गए। और ये वाला व्लॉग जो है वो मैंने अपने बोया MM1 माइक की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने के लिए बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मैं अभी कपड़े चेंज करता हूँ और मेरी क्लास है 12 से 1 बजे तक, तो अभी 11:30 हो रहे हैं। मैं फ़्रेश होता हूँ, क्लास लेता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तब तक आप लोग ये एंजॉय करो। तो आ गए आप लोग, तो चलें इस बोया MM1 की अनबॉक्सिंग करते हैं। और आई होप आप लोगों को इसके स्लोमो शॉट्स पसंद आए होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस बोया MM1 की अनबॉक्सिंग। अभी आप यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशंस पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लें। और जो है अभी इसको खोलते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकला है यूज़र मैनुअल बुक, जिसको कोई नहीं पढ़ता, इसको फेंक दो साइड में। ये रहा वारंटी कार्ड, ये भी क्या, ये खानी हो तो खा लेना पर कोई नहीं खाता, मजाक कर, सीरियसली नहीं लेना। ये इसका माउंट है, इसमें माइक फिट होता है, बाद में बताता हूँ इसके है कैसे लगेगा। और ये है इसका वायर, ये स्मार्टफोन, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्टफोन, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोफोन। ये वाली साइड माइक्रोफोन में लगती है और ये वाली साइड इसमें स्मार्टफोन में लगती है, तो ये इसलिए होता है। ये होता है कि ये DSLR बड़े कैमरा के लिए होती है, ये वाली जो है माइक्रोफोन में, ये वाली कैमरा में लगती है। यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा सा पाउच है जिस पर बोया लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा पाउच है, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे पास है ये रहा माइक, यहाँ पे इसकी वायर्स, ये डेटा केबल जिसे बोलते हैं हम लोग, वो लगती हैं। और ये देखें कितना अच्छा माइक है, थोड़ा सा हैवी है, ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का सा हैवी है। और ये है डेड कैट, डेड कैट तब यूज़ की जाती है जब आप आउटडोर में शूटिंग कर रहे हो या रूम में पंखा चल रहा हो और आपको फिर भी शूट करना हो तो आप ये डेड कैट लगाएं। डेड कैट से ज़्यादा आपकी साफ़ आवाज़ आती है, आसपास की आवाज़ें कम आती हैं। तो आप अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरी मोबाइल के माइक्रोफोन से है, एक्चुअल आवाज़ जो मोबाइल का माइक्रोफोन होता है उससे आवाज़ आ रही है। और अभी जो आप आवाज़ सुनेंगे वो जो है मैं बोया का माइक कनेक्ट कर लेता हूँ कैमरा से, मोबाइल से, तो जो है फिर चेक करते हैं कि आवाज़ कितनी क्लियर आती है। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैं अभी जो है इसे कनेक्ट कैसे करूँगा। वैसे तो इसका छोटा सा माउंट आता है, मतलब जिस अभी स्टैंड पे, गिम्बल पे या गोरिल्ला ट्राइपॉड पे आप जो है मोबाइल लगाते हैं तो उसी पे ही ये माइक भी आ जाना चाहिए, लेकिन अभी उसके लिए छोटा सा माउंट आता है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने मंगवाया तो है, वो मेरे पास तकरीबन आ जाएगा, 3-4 दिनों में आ जाएगा, तो फिर मैं दोनों चीज़ें एक ही स्टैंड पे या ट्राइपॉड पे लगा सकूँगा, गिम्बल पे भी लगा सकूँगा। अभी जो है मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, एक कैमरा पे स्टैंड पे जो है मोबाइल लगाना पड़ेगा और दूसरे ट्राइपॉड पे जो है मुझे माइक लगाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग देखेंगे माइक मैं कैसे माउंट करता हूँ कैमरा पे।
ये देखें अभी ये मेरा सेटअप कुछ ऐसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है वैसे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब सोचें इसके नीचे यहाँ पे मोबाइल आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो अभी ये देखें ये कुछ ऐसा लग रहा है, और अभी जो है इसको मैं अलग ही रख सकूँगा, क्यों अभी जो आपको आवाज़ आ रही है वो मेरे इस क्यूट से अच्छे से बोया MM1 से आ रही है। ये बहुत अच्छा माइक है, आप लोग लेना चाहें तो ले लें। ऐसा ही सेम एक रोड का भी आता है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, इतना फ़र्क नहीं है। बोया का सस्ता है, तकरीबन आपको मिल जाएगा 3,500 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको मार्केट में इजीली। तो व्लॉगिंग के लिए या जो गेमिंग करते हैं गेम प्ले के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, पर ज़्यादातर ये व्लॉग्स में ही यूज़ होते हैं यूट्यूब वीडियोज़ में। तो ये अच्छी चीज़ है बहुत ज़्यादा, और चलता भी अच्छा है। और अगर आप लोगों को और भी रिव्यूज़ देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करें बोया MM1 अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियोस, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और फेसबुक का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आती रहती हैं और बिहाइंड द सीन्स भी आएंगे जो मैं यहाँ पे व्लॉग बनाऊँगा। और दूसरी बात ये कि पिछली वाली वीडियो का तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है। सो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और थैंक यू। जहाँ पे माउस रखते हैं ना तो वो वाला जो ड्रॉअर ऐसे खुलता है ऐसे करके, वो थोड़ा लूज़ हो गया, तो जैसे ही लॉक खोलते हैं तो वो गिर जाता है, तो मैं उसे चाबी से खेल रहा था तो इस वजह से वो गिर गया और खुल गया, सॉरी गिर गया नहीं खुल गया। तो और अभी जो है ये देखें मुझे ऐसे पकड़ के रखना पड़ रहा है ये, क्योंकि जो है माउंट अभी आया नहीं है, माउंट मंगवाऊँगा इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। और बस और कुछ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।